जहां समाजवादी पार्टी रीवा जिले में अपनी स्थिति बेहतर देख रही है, वहीं प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में अपने किए कामों का असर देखकर मध्य प्रदेश में भी चुनावी ध्वज फहराने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पत्रकारों से खास मुलाकात की। हमारे एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी ने संजय सिंह से विशेष वार्ता की। आइए जानते हैं क्या थे प्रमुख बिंदु। मैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद आप पार्टी के संजय सिंह जी। रीवा की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीवा के आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल में कामना करता हूँ दिन आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी, अपनी पार्टी की आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में हम 217 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है इस पूरे चुनाव में जो धनबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बाहुबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, गुंडागर्दी पर चुनाव नहीं लड़ रही है, शराब और पैसे बांट के हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश का कुपोषण, हमारा मुद्दा है व्यापम का घोटाला, हमारा मुद्दा है सरकारी स्कूल हजारों की संख्या में क्यों बंद किए गए, हमारा मुद्दा है किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं दिया जाता है, हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों में सड़कें टूटी क्यों हैं। तो इन मुद्दों को आधार बनाकर हमने शपथ पत्र पर कुछ वादे मध्य प्रदेश की जनता के साथ किए हैं। हमने कहा है कि हम सरकारी स्कूलों के स्तर को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाएंगे, हमने कहा है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव तक पहुंचाएंगे मोहल्ला क्लिनिक के अपने मॉडल के जरिए, हमने बेरोजगारी भत्ता देने की और रोजगार देने की बात कही है, हमने डेढ़ गुना फसल का दाम देने की और बिजली का दाम आधा करने की बात कही है, पेंशन 2500 रुपये करने की बात कही है। और ये सब कहने के पीछे हमारे पास एक मजबूत आधार है दिल्ली में हमारी सरकार। 3 सालों में हमने जो काम दिल्ली में करके दिखाया है वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है कि कैसे साफ नियत के साथ एक ईमानदार सरकार चलाई जा सकती है। और इसके कारण से हम अपने मुद्दे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, जनता मालिक है उसको तय करना है। अभी आपने बिजली की बात की, रीवा की बिजली दिल्ली में 2 रुपये बिक रही है, वही बिजली रीवा में बनते हुए यहाँ पर 9 रुपये है, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको आप किस नजर से देखिए? ये सारी महंगाई के पीछे भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है। देखिए, आपको समझना होगा आज सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना है। प्राइवेट स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े नेताओं के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, माफियाओं के हैं। तो उन प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल बंद करने हैं। जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तभी आपका बच्चा लाखों रुपए की फीस जमा करके जाके प्राइवेट में पढ़ने के लिए मजबूर होगा, उसको ड्रेस का भी पैसा देना है, उसको बस्ते का भी पैसा देना है, उसको किताबों का भी पैसा देना है, उससे हर महीने अलग तरीके से चंदा भी प्राइवेट स्कूल वाले वसूलते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का चक्कर है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अच्छी होंगी तो सरकारी जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम है कुकुर मुत्ते की तरह हर गली में जो पैदा हो गए वो नर्सिंग होम कैसे चलेंगे? उन नर्सिंग होमों में किसका पैसा लगा है? नेताओं का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगा हुआ है। तो नर्सिंग होम फले फूले इसलिए सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो हर सेवा के पीछे भ्रष्टाचार एक कारण है, क्योंकि सरकारी सेवाओं को खत्म करो, प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा दो। बिजली के साथ भी यही हुआ। बिजली जब हम दिल्ली में आए तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन लॉस था वहां पे 43%, 43% वितरण का घाटा दिखाया जाता था। और वो घाटा इसलिए दिखाया जाता था कि किसी इंडस्ट्रिस्ट का बिल आया 50 लाख रुपए, उससे बिजली कंपनी वालों ने लिया 5 लाख रुपए, 45 लाख रुपए घाटा दिखा दिया और वो घाटा जनता के जेब से वसूला जाता था बिजली का दाम बढ़ा के। एक ईमानदार सरकार की हर राज्य में जरूरत है। अगर इस देश की जनता को महंगाई से मुक्ति पानी है, बिजली पानी की सेवाएं सस्ते दामों पर या मुफ्त में पानी है, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना है, जब तक एक अच्छी और ईमानदार सरकार नहीं होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन चीज़ों में कोई सुधार होगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है।
जिस दिन मुद्दा आधारित राजनीति को जनता समझने लगेगी, हमारे लिए स्पेस है। जैसे हमको 67 सीटें पूरी तरह से सफाया कर दिया दूसरी पार्टियों को दिल्ली में, वैसे ही दूसरे राज्यों में परिणाम आएंगे। यह तो हुई मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात। आप दिल्ली से हैं, आप पार्टी के बड़े नेता हैं, हम आपसे कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कुछ आपसे बातचीत जानना चाहेंगे। इस समय कांग्रेस पार्टी राफेल को लेकर काफी हल्ला मचा रही है, आपका आपकी पार्टी का राफेल को लेकर क्या दृष्टिकोण है? कांग्रेस तो हल्ला मचा रही है, लेकिन आपको मालूम होगा राफेल के मुद्दे को इस देश में सबसे पहले मैंने उठाया, और जिसके कारण हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा डिफेमेशन मेरे ऊपर हुआ। राहुल गांधी पे अनिल अंबानी ने डिफेमेशन का मुकदमा नहीं किया, मेरे ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा अनिल अंबानी ने किया अहमदाबाद की कोर्ट में। दूसरी बात, मैंने सर्वोच्च न्यायालय में भी मुकदमा किया हुआ है, और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है सरकार को कि उनको राफेल का दाम बताना पड़ेगा, और किस प्रक्रिया के तहत अनिल अंबानी का चुनाव किया गया इसकी पूरी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को देनी पड़ेगी। अब इसमें मोटी बात यह है समझने की कि भाई एक राफेल की कीमत जो 526 करोड़ रुपए थी यूपीए सरकार के दौरान, अचानक मोदी जी ने उस डील को कैंसिल करके 1670 करोड़ रुपए में एक राफेल क्यों खरीदा? यानी लगभग 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला 36 लड़ाकू विमानों में किया गया है इस सरकार के द्वारा, ये मेरा सीधा आरोप है। और दूसरी बात यह है कि भाई 78 साल पुरानी एक अनुभवशील कंपनी जिसके पास हजारों इंजीनियर हैं, जो कंपनी 51 छोटे बड़े लड़ाकू विमान बना चुकी है, ऐसे एचएएल कंपनी को दरकिनार करके आपने 12 दिन पहले कागजों में बनी घाटे की कंपनी अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका क्यों दिया, ये दूसरा मेरा सवाल है। तो आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब आपको ठेका देना होता है तो आप अपने मित्रों को घूम घूम के ठेका देते हैं। आपने इस देश के अंदर नोटबंदी किया, काला धन को सफेद करने की आपने योजना लाई, जो घरों में बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पैसा रखा हुआ था करोड़ों रुपए चुरा के, आपने उनको खुला लाइसेंस नोटबंदी के जरिए दे दिया कि आप बैंकों में जाइए अपने काले धन को सफेद कीजिए। इसी तरीके से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा जिन लोगों ने इस देश के अंदर ले रखा था उनको आपने फोटो खिंचवाकर हिंदुस्तान से भगवा दिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, एक लंबी फेहरिस्त है। इस देश का नौजवान रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, उसको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। आपका बेटा 16,000 गुना अमित शाह का बेटा जैसा मुनाफा कमाता है, हजारों करोड़ रुपए इस देश के अंदर से लूट कर बड़े बड़े पूंजीपति हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। इस देश को दिवालिया बनाने का काम 4.5 सालों के अंदर मोदी जी की सरकार ने किया है, लेकिन चुनाव के समय में ये सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। मुद्दा हो जाता है मंदिर का, मुद्दा हो जाता है मस्जिद का, मुद्दा हो जाता है जाति का, मुद्दा हो जाता है धर्म का। तो एक जो अल्लामा इकबाल की लाइन है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस देश को ले जा रही है। ये हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं, गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, एंटी रोमियो के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, खाली आपस में भाई को भाई से लड़ाने की इनकी योजना है। ये किसी भी मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं, और इस बात को देश के नौजवानों को और सभी लोगों को समझना पड़ेगा, खासतौर से भक्तों को समझना पड़ेगा जो मोदी भक्त बने टहल रहे हैं, कि उनके भक्ति से इस देश का भला होने वाला नहीं है। इस देश का भला तब होगा जब आप बुनियादी मुद्दों पर बात करेंगे। तो हम तो राफेल का भी मुद्दा उठा रहे हैं, अभी सेक्शन 7 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं आरबीआई के ऊपर। आप बताइए, जनता का जो रिजर्व पैसा लाखों करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखा हुआ है, सरकार डंडा चला के उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने मित्रों को लोन देने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जो घाटे में बैंक चल रहे हैं उनको वो पैसा देना चाहती है। 83 वर्षों में जो आरबीआई की स्वायत्तता को छीनने की कोशिश किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की, आज उस काम को मोदी जी की सरकार कर रही है। तो ये देश को कलंकित करने वाली एक सरकार है, जितनी जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए इस देश का भला होगा, वरना तो अगर दूसरी बार कहीं ये गलती से आ गए तो पकौड़ा योजना के बाद ये देश के सामने कटोरा योजना लेकर आए हैं, और चुनाव में कहेंगे मित्रों भीख मांगना भी रोजगार है कि नहीं है, लोग कहेंगे हाँ जी भीख मांगना भी रोजगार है। ये इस देश में देश, आपका कहने का मतलब है जिस मुद्दे पे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी वही निकली, आकंठ डूबी हुई है। एक नहीं अनेक उदाहरण के साथ मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, सिर्फ मोदी जी के विरोध करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ,
आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार इस देश के अंदर चल रही है, जिसने राफेल के अंदर घोटाला किया, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए घोटाला किया, इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए घोटाला किया, जिसने प्राइवेट कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए लोन दिलवा के घोटाला किया, जिसने अडानी और अंबानी को बड़े बड़े ठेके हिंदुस्तान से बाहर दिलवा कर घोटाला किया, तो ये घोटालेबाज सरकार है। और ये तर्क और प्रमाण के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ विरोध के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये थे हमारे साथ आप पार्टी के संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना था ये सरकार, मोदी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इनके सारे काम केवल और केवल अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। उन्होंने विधानसभा में मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के तमाम तरीके की बातचीत की। रीवा दर्शन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रीवा दर्शन के लिए। मैं जावेद अंसारी।